केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर मेट्रो फेज 2 में शहर के ग्रामीण भाग हिंगना, कामठी कनान, उमिया धाम आदि जोड़े जाएंगे और फिर मेट्रो फेज 3 से अमरावती रोड को जोड़ा जाएगा। रविवार को जिले में 455 नए पॉजिटिव पाए गए, इनमें सिटी के ही 425 का समावेश है। लंबे समय से गुरेवाड़ा परिसर में स्थित जमीन के विवाद में आखिर पुलिस ने भूमाफिया शहनवाज खान और उसकी गैंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रविवार को भिवापुर तहसील के मंगरूप गांव के अनुदानित निवासी आश्रम शाला की 16 विद्यार्थियों को विषबाधा होने से परिसर में हड़कंप मच गया। यशोधरा नगर पुलिस को शनिवार रात गश्त के दौरान एक और गैंग उनके हाथ लगी। 4 आरोपियों को डकैत की तैयारी में हथियारों के साथ दबोचा। व्यापारी के घर पर चोरी करने वाले सीनमा को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी मोमिनपुरा कस्बापुरा निवासी मोहम्मद आमिर शरीफ अंसारी बताया गया। मनपा द्वारा संपत्ति कर के बकाए में पेनल्टी पर छूट देने के लिए अभय योजना चला रखी है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरते जाने के कारण संपत्ति धारकों को लाभ नहीं मिल पाने की शिकायत मनपा आयुक्त राधाकृष्ण पी से की गई है। पारिवारिक विवाद में गुस्साए साले ने चाकू से वार कर जीजा को ही मौत के घाट उतार दिया। घटना सामने आते ही शहर में हड़कंप मच गया। तहसील के मानोरा ग्राम के पास अब तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पटाखे फोड़कर तेंदुए को जंगल में खदेड़ दिया। शहर के क्राइम कंट्रोल करने के लिए सीपीएम नीतीश कुमार ने सभी नामजद अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थानों के डीबी स्क्वाड से लेकर क्राइम ब्रांच के सभी यूनिट को रोजाना अपराधियों को थाने बुलाकर जांच करने और उसकी गतिविधियों को अनुसार प्रतिबंधित कार्रवाई करने को कहा गया है।